सो पिछले पॉकी क्विज के विनर ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला है आइकन्स ड्यूड ओपी, दूसरा है डार्क फिनिक्स और थर्ड है तेजस पाटिल, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए इसी तरह तो आप आज का पॉकी क्विज का आंसर दे सकते हैं और पॉकी क्विज वीडियो के बीच में कहीं भी आ सकता है। सो है दे बॉयज एंड गर्ल्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो अगर आपको याद ही होगा तो मैंने पोकेमोन अनबाउंड की जर्नी पहले ही शुरू कर दी थी और मेरा आउटपुट कुछ अलग था, पर मेरा गेम डिलीट हो चुका था जिसकी वजह से मैं इसका गेम प्ले नहीं ला सका और अब मेरा गेम वापस आ चुका है। तो अब हम बन चुके हैं सिंथिया के मेल वर्जन। हाहा मजाक कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल भी सिंथिया जैसा दिख रहा हूँ पर मेल वर्जन हूँ उसका। ओके सो हमारी हेयर स्टाइल भी अच्छी है इस गेम में। तो अब हमें जाना है बेलिन टाउन ताकि हम प्रोफेसर लॉग का काम कर सके। वो खुद तो कुछ काम नहीं करते तो हमें ही उनका काम करना पड़ता है, पर बदले में हमें बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखने को मिलता है, विच इज़ नाइस। तो चलो जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचते हैं गाइस। वो कितने सारे पोकेमोन हैं यहाँ पर, मैं हर एक बैटल स्किप करते जा रहा हूँ। यहाँ पर सारे के सारे आइस टाइप पोकेमोन मिलेंगे आपको। ओ यहाँ पर एक दद्दू है, चलो उनके साथ बात करते हैं। वेल लेट्स गो। तुम शायद से ऋषि होगी, प्रोफेसर लॉग ने मुझे पहले ही फ़ोन करके बता दिया था कि तुम आने वाले हो। मैं तुम्हें यहाँ पर गाइड करने के लिए खड़ा हूँ, बेलिन टाउन उधर है। अगर तुम्हें इस केव के अंदर से जाना है तो तुम्हें पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम प्रोफेसर लॉग का काम कर सकते हो। सो दद्दू कह रहे हैं कि ये केव और कौन सा भी केव नहीं बल्कि आइसल केव है। इस केव के साथ हम अगले टाउन में पहुंच सकते हैं। ओ एक आर्टिकनो की स्टैचू। हाँ वेल लेट्स गो। ये है लेजेंडरी पोकेमोन आर्टिकनो की स्टैचू। ये बताता है कि आर्टिकनो ने मदद की थी काली शक्तियों को हराने के लिए, पर फिलहाल ये फ्रोजन हाइट्स में रहता है। ओके सो ये हमें पता है क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया था लेजेंडरी बर्ड्स के सामने। ओके सो ये कौन सा घर था पता नहीं। ओके ये तो ओ वो क्या है। वेल वेट अ मिनट, वो गोल्डन पोकेमोन क्या है, क्या हम अंदर से उस तरफ जा सकते हैं। वेल नहीं जा सकते, ये कौन है चलो इसके साथ बात करके देखते हैं। अब मैं क्या करूं तुम ही बताओ, हर दो या तीन दिन बाद एक हॉरिबल पोकेमोन आता है और मेरा सारा खाना चुरा के चला जाता है। अगर मेरे पास एक पॉकेटेक्स होता तो मुझे पता होता कि उसे कैसे रोकना है। इफ यू गेट अ पॉकेटेक्स वुड यू कम बैक टू हेल्प मी। ओ अच्छा, आई विश कि हमारे पास हमारा खुद का पोकेमोन होता। आई एम ऑलवेज बोर्ड एट होम। ओ तो ये भाई साहब बहुत ही दुखी है क्योंकि इनके घर पे एक अनजान सा पोकेमोन आता है। ओके सो लेट्स गो इनसाइड पोकेमोन मार्ट। ओ यहाँ पर चल क्या रहा है। मैंने सुना कि एक स्पेशल पैकेज आने वाला था आज, मैं तुमसे वो खरीदना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सर, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये पैकेज किसी और की अमानत है। Maybe you misheard me. जल्दी से वो पैकेज मुझे दे दो, I won't ask again. मैं ये सच में नहीं कर सकता सर, मैं एक फेथफुल एम्प्लॉय हूँ पोकेमोन मार्ट का। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये मेरे रूल्स के खिलाफ होगा, इसलिए मैं आपको ये पैकेज नहीं दे सकता। Oh, I see. Well then. Sneasel. Grab that package. Oh, इसने तो वो चुरा लिया गाइस। हाँ गुड वर्क स्नीजल, सॉरी अबाउट दिस, टेक दिस ऑन योर ट्रबल। पैसे? क्या ये पैसे दे रहा है? मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या यू केम टू गेट दैट पैकेज टू? वेल अनलेस यू विल विलिंग टू फाइट फॉर इट, गेट आउट ऑफ माई वे, आई एम गोइंग टू पुट यू इन योर प्लेस। ओके लेट्स फाइट विद हिम गाइस, मुझे इसे हराना है। वेल लेट्स सी कि इसके पास कौन से तगड़े पोकेमोन है। तगड़े पोकेमोन होने चाहिए तेरे पास। ओके सो इसके पास एक स्नीजल है जो कि अच्छा हुआ। ओके सो चलो इसको हरा देते हैं हमारे फायर फैंग की मदद से। लेट्स गो। ओ थोड़ी सी एचपी बची है एक और बार और हमने हरा दिया है स्नीजल को। वेल लेट्स सी कि ये क्या बोलता है। ओके तुम्हें क्या लगा अगर तुम मुझे हराओगे तो मैं इस पैकेज को तुम्हें दे दूंगा? बेवकूफ बच्चे, ऐसा कभी नहीं होगा। अब जाओ मेरे रास्ते से हटो। नहीं तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकते। ओ नो ये तो यहाँ से चला गया है। हाय डियर, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? क्या तुम प्रोफेसर लॉ के पैकेज के लिए आए हो? सॉरी पर वो यहाँ पर अभी आया नहीं है, कम बैक लेटर। ओ ये तो हरा हर झूठ बोल रहा है, कोई बात नहीं, ये बहुत ही फेथफुल पोकेमोन मार्ट वाला था इसलिए मैंने इसको माफ कर दिया है। अगर ये चाहता तो उसके साथ फाइट कर सकता था पर इसके पास अच्छे पोकेमोन्स नहीं थे। ओ ये कौन है? Did you know this is a special Pokeball that heals Pokemon? When you capture Pokemon, all damage done to it is undone. अगर तुम्हारे पास Pokédex हो तो तुम मेरे पास वापस आ सकते हो। अच्छा तो यहाँ पर सबको Pokédex क्यों चाहिए? His eyes are glued on TV. Yes, क्योंकि वो Pokemon battle देख रहा है of course. Okay, so यहाँ पर Pokédex की ज़रूरत है पर मेरे पास तो Pokédex है ही नहीं, हमें Pokédex कहाँ पर मिलेगा? ये घर कौन सा अजीब सा घर है यार। वेल लेट्स गो इनसाइड। ओ ये तो पोकेमोन सेंटर है।
वेल चलो यहाँ पर मैं अपने पोकेमॉन हील कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये पोकेमॉन सेंटर है। वेल ये पोकेमॉन सेंटर की तरह दिख ही नहीं रहा था तो मैं क्या करूँ। ओके लेट्स गो। ओ यहाँ पर हम ट्रेड भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि इस गेम में हम ट्रेड भी कर सकते हैं। वेल ऐसा है तो गाइस आप मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो अगर ये ऑनलाइन गेम हो तो। मुझे नहीं लगता कि ये ऑनलाइन गेम है। यहाँ पर क्या चल रहा है देखते हैं। क्या तुम्हें पोकेमॉन मार्ट से वो पैकेज मिल गया? हाँ बिल्कुल सर। हाँ मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं ज़्यादा शोर ना मचाऊँ और मैंने उसे पैसे भी दिए पैकेज के लिए जिसे मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया था। बहुत अच्छे। एक आखिरी काम बचा है। क्या पुलिस हमारे पीछे पड़ी है? इस गेम को ख़त्म करने के लिए हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं। रिपोर्ट बैक टू सेफ एंड इन्फॉर्म हिम ऑफ माई करेंट स्टेटस। ओके सर। इस मार्लॉन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये हर बार मेरे रास्ते के बीच में आ जाता है। पिछली बार भी इसने ऐसा ही किया था। ओके लेट्स गो लेट्स डिफीट हिम। पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो कोई तो भी अलग ही शॉर्ट ग्रंट था। पर कोई बात नहीं लेट्स डिफीट हिम गाइस। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है पर लेट्स चेक आउट द नॉर्थ साइड ऑफ अवर टाउन। यस ओ यहीं पर है वो। कैटनिया कट का इस्तेमाल करो। ओ इसके कारण अब हम ऊपर जा सकते हैं। इसने अपने कैकनिया के साथ कट अटैक किया था। हाँ बोल यहाँ पर चल क्या रहा है? एक हवा के साथ, एक स्नो के साथ, एक चिल्लाता हुआ तूफान, एक जमी हुई दुनिया। मेरी बात सुनो आर्टिकुनो सैंक्रेन फिम वेल्टर, मेरे पास आओ। शैडो वॉरियर्स उसे पकड़ो। आर्टिकुनो अब वक्त आ चुका है कि तुम मेरे बन जाओ। हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। जेफ के पास वापस रिपोर्ट करो। क्या चल रहा है मार्लॉन? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ग्रंट्स तुम में से एक इसे यहाँ से भगा दो। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। Don't expect any mercy from the shadows. Okay, so let's battle with her. तो यही पर आता है हमारा पॉकी क्विज। तो आज का पॉकी क्विज है कि ऐश का पहला ड्रैगन टाइप पोकेमॉन कौन सा था। वेल जल्द से जल्द अपना आंसर डाल दो मेरे कमेंट में। भले ही तुम मुझसे जीत गए पर मैंने मेरे टीम के लिए यहाँ से निकलने के लिए टाइम निकाल दिया है। बट नाइस ट्राई किट। ये लो तुम्हारा प्राइस। ये लो तुम्हारा पैकेज वापस। इसमें से जो जरूरी था वो हमने ले लिए थे। वेल कुछ तो गड़बड़ है दया। मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ न कुछ तो चुराया होगा इसके अंदर से। वेल पता नहीं कि उन्होंने क्या चुराया होगा। वेल दिमाग लगाओ रडार, दिमाग लगाओ। उन्होंने एक आर्टिकुनो को पॉकी बॉल की मदद से पकड़ा है। मतलब कि साफ है कि उन्होंने कुछ काला धंधा किया ही होगा। तो ऋषि तुम मेरे पैकेज के साथ वापस आ गए। ये तो मेरे दोस्त ओक की तरफ से एक शिपमेंट है कैंटो रीजन से। ओके चलो देखते हैं पॉकी बॉल्स पॉकी डेक्स एंड मेरे मास्टर बॉल्स किधर है। क्या तुमने इस पैकेज में से कुछ निकाला ऋषि? हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं और तुम हम पर ही शक कर रहे हो। ये ठीक नहीं है प्रोफेसर लॉग। फिर मेरे मास्टर बॉल्स किधर गए? मुझे लगता है कि किसी ने इसे चुरा लिया था। उन शैडो ग्रंट्स ने चुराया था। ओ अब मैं समझा, तुमने इसे किसी चोरों से लिया था। हाँ और शायद से उन्होंने इस मास्टर बॉल्स को चुरा लिया था। क्या तुमने उन्हें आर्टिकुनों को पकड़ते हुए धोखा? मुझे लगता है कि हम बहुत ही बड़े डेंजर में हैं। ऋषि मेरे पास तुम्हारे लिए और एक काम है। क्यों ना तुम ड्रेस को टाउन जाओ और मेरे पुराने दोस्त से मिलो। इसके पास बोरियन हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा नॉलेज है। I need to tell him everything that has happened here. I have theory about what is going on, but I need him to confirm it. You have your Pokemon now, so क्यों ना तुम वहाँ पर जाओ Driscoll Town, तुम Isil Cave से जा सकते हो। Wow, silly me. How can I expect you to find Isil Cave? ये लो तुम्हारे लिए एक town map. And you know what? अगर तुम Driscoll Town जा ही रहे हो तो ये रहा तुम्हारे लिए एक अलग सा टास्क। My friend Oak requested that I give this Pokédex to two trainers. ये कुछ हाईटेक वाला इंसाइक्लोपीडिया है जो पोकीमोन का डाटा रिकॉर्ड करता है। बोरियस रीजन में बहुत सारे पोकीमोन हैं पर कैंटो रीजन में ज़्यादा नहीं है। To start, you should aim to see every Pokémon in the Boreas region. और As it's more commonly known, the West Boreas Pokédex. Pokemon that appear in the East Boreas are conspicuously left out.
अगर तुम एक बार पॉकेडेक्स को कंप्लीट कर दोगी तो हो ये मिशन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। पर्सनली आई डोंट माइंड इफ यू रिकॉर्ड डाटा इन द पॉकेडेक्स सिंपली बाय सीइंग पोकेमॉन। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पकड़ो और डाटा को कंप्लीट करो। यहाँ पर बहुत सारे स्पीसीज के पोकेमॉन पाए जाते हैं, उन्हें पकड़ो और डाटा रिकॉर्ड करो। ये लो तुम्हारे लिए पॉकीबॉल्स। इफ यू डोंट नो हाउ टू कैप्चर वाइल्ड पोकेमॉन, एक मेरा पुराना दोस्त है जो तुम्हें बता सकता है, और साथ ही साथ मेरी छोटी बहन नटाशा जो कि ब्लिजर्ड सिटी में रहती है, वह भी तुम्हें इसके बारे में बता सकती है और तुम्हारा पॉकेडेक्स अपग्रेड कर सकती है और तुम पोकेमॉन को एनकाउंटर कर सकेगी इजीली। ओह, लगता है मेरी मेमोरी बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। प्लीज ये वाला पॉकेडेक्स तुम जादू को देना। ओके, सो शायद अब हम जा सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है जब से उसके पेरेंट्स उसे मेरे पास छोड़ के गए थे जब वो छोटा था। आई एम श्योर इफ यू गिव हिम द पॉकेडेक्स ही विल बी विलिंग टू असिस्ट। ये लो, और एक मिशन ऐड हो चुका है। आखिरकार इसका पोकेमॉन का ग्रंथ खत्म हो चुका है। पता नहीं इसके पास वरदान है आर्शियस का या फिर ये खुद आर्शियस है कि इतना कुछ बोल देता है, हमें जाने ही नहीं देता। पता नहीं इतने शब्द इसके मुंह में कैसे आते होंगे, मैं भी इतनी बात नहीं करता। वेल, क्या सच में मैं ही तो इतनी बातें करता हूँ। तो चलो वापस चलते हैं बेलिन टाउन, क्योंकि वहाँ से अब हमें जाना है ड्रिस्को टाउन में। ओके, लेट्स गो गाइस। वो ये तो है बेलिन टाउन। तो उससे पहले मुझे चेकआउट करना था कि ये आदमी क्या देता है हमें, क्योंकि अब हमारे पास पॉकेडेक्स है। वैसे मैंने तुम्हें बताया था ना क्या हो रहा है, अगर मेरे पास एक पोकेमॉन होता तो मैं उसे रोक पाता, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है। ओ, मेरे पास एक आइडिया है। वुड यू बी एबल टू, ओ नो, ये वापस आ चुका है। इट्स केम टू स्टील माई फूड। नहीं, ये तो मेरा फूड चुरा रहा है। रुको, मेरे पापा का खाना मत चुराओ। डैडी, इट हर्ट मी। ऑलराइट स्वीटी, रुको, मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। इफ यू कैन हेल्प मी आउट एंड गेट माई फूड बैक फ्रॉम दैट पोकेमॉन, आई डिड एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। ओके, सो मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस सैंड स्लैश को भगाने के लिए। वो एक अलोलन सैंड स्लैश है, मतलब कि आइस टाइप सैंड स्लैश। यस, तो वो तो उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ हमें जाना है, पर उससे पहले मुझे और एक घर में चेक करना है कि हमें क्या मिलता है। वेल, यहाँ पर और एक आदमी था जो कि हमें कुछ ना कुछ देने वाला था। वेल, लेट्स गो इनसाइड। ओह, तो तुम वापस आ चुके हो। ये लो तुम्हारी पॉकेबॉल, मैंने जिसे प्रॉमिस किया था। ये हील बॉल है, इसे इस्तेमाल करने से तुम्हारा पोकेमॉन वापस से हील हो जाएगा अगर तुम उसे पकड़ते हो तो। थैंक यू चाचा फॉर गिविंग मी 5 हील बॉल्स। यस, ये तो बहुत ही काम के हैं, मतलब कि अगर हम कोई भी पोकेमॉन पकड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। यस, आई वांट टू कैच अ फेरी टाइप पोकेमॉन, पर हम इस तरफ क्यों नहीं जा पा रहे हैं, पता नहीं वो पोकेबॉल कौन सा है। वेल, लेट्स गो इनसाइड द आइसल केव। पता नहीं कि यहाँ पर कौन कौन से पोकेमॉन हमें मिलने वाले हैं। ओ, ये तो नया रास्ता बनाते हुए जा रहा है, तो क्या चूहा है क्या? हेलो डियर स्ट्रेंजर, मैं यहाँ पर आइसल केव में घूमने आया था। इट मे नॉट सीम दैट बिग, पर अगर आज वो सैंड स्लैश यहाँ पर गड्ढा नहीं करता तो किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ पर एक रहस्यमय गुफा है। ओके, सो सैंड स्लैश ने एक एंटायरली न्यू केव बना दी है, उसने यहाँ से रास्ता खोद दिया था। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है वो, मैं अभी आ रहा हूँ उसके पास। वेल, तो यहाँ पर तो बहुत सारे पोकेमॉन थे इसलिए मैंने कुछ पार्ट स्किप कर दिया था। वो ये तो वही जा रहा है, क्या तुम इसकी तरफ देख सकते हो? हाँ बिल्कुल भैया, अभी आ रहा हूँ। पता नहीं उनको क्या मिल गया है। किसने सोचा होगा कि इस केव के इस पार कोई रहस्यमय टैबलेट या फिर स्टोन होगा। हाँ, अगर उस सैंड स्लैश ने यहाँ पर गड्ढा नहीं किया होता तो इसे ढूंढने में और भी ज्यादा समय लगता। वाओ, ऑसम। पर अब जबकि ये मिल चुका है तो इसके पीछे के रहस्यमय थियरी को मैं जरूर जान के रहूंगा। क्या सच में? वाओ, आई इंटेंड टू डिस्कवर ऑल ऑफ द सीक्रेट्स हेल्ड विद इन। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स डिलीट हो चुकी थी और ये रहा सैंड स्लैश। सैंड स्लैश, सैंड स्लैश। ओ, बहुत सारे सैंड श्रीव भी है अलोलन वाले। हाँ, स्लैश। ओके, सो इसने हमें चैलेंज कर दिया है, उसे लग रहा है कि हम उसके फैमिली या फिर फ्रेंड्स को चोट पहुंचा सकते हैं। तो वेल, लेट्स डिफीट हिम। ओके, सो हमने हरा दिया है सैंड स्लैश को। यस, सैंड स्लैश, सैंड।
गीबल। अब कैसा लगा हाँ? खाना चुराती हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, पकड़ लिया तुम्हें। I have cornered you। अब जबकि तुम बैटल में हार चुके हो तो तुम बहुत ही कमजोर हो चुके हो। अब मेरा फूड वापस करो मुझे। हाँ क्या, तुम मेरा फूड इसलिए चुरा रहे थे ताकि तुम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए ला सको? That cry, I have heard before। You must be the one of those rare type sand slash। Have the Pokemon Rangers stopped coming to feed you? Oh, इसलिए तुम खाना चुराते थे क्योंकि Pokemon Rangers यहाँ पर नहीं आते हैं? Then I was right। तुम बिल्कुल भूखे थे क्योंकि Pokemon Rangers यहाँ पर नहीं थे। Okay, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें रोज खाना दूंगा, तुम्हारे फैमिली को और तुम्हारे फ्रेंड्स को। Then it settles, let's go। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। As promised, here's your little something। ये लो TM56 Moon Claws। इससे तुम ट्रिस्को जिम में चैलेंज कर सकते हो। ये तुम्हारी बहुत ही मदद करेगा। मुझे लगा ही था पोकेमोन कभी भी दूसरों का खाना नहीं चुराएंगे जब तक कि उन्हें ज़रूरत ना हो। वो भूखा था इसलिए उसने खाना चुराया था। वेल लेट्स गो, अब दूसरे पार्ट में जाने का वक्त हो चुका है। वेल लेट्स गो गाइस, तो हम इस तरफ आ चुके हैं तो अब हमें यहाँ से नीचे जाना है। वेल ये छोटा सा ही केव है तो हम इसे जल्द से जल्द पार कर देंगे। वेल लेट्स सी कि इस तरफ क्या है। तो इस तरफ एक पॉकीबॉल है जिसे हम ले लेते हैं। यहाँ पर एक पजल था जिसको मैंने सॉल्व करके इस पॉकीबॉल को ले लिया है जिसके अंदर है एस्केप रोप। नाइस, इसकी मदद से हम बाहर जा सकते हैं। यस ओके, सो इसने हमें चैलेंज कर दिया है। वेल लेट्स सी कि इसके पास कौन सा पॉकीबॉल है। वो तो ये केली है। हाँ, इसका नाम केली था। ओके, सो हमने इस पर यूज़ कर दिया है फायर पैंग और यस, हमने फर्स्ट पोकेमोन को हरा दिया है। नेक्स्ट पोकेमोन है स्मूचम और हमने इसको भी हरा दिया है। वेल कैसा लगा तुमको? हाँ ओके नाइस। वेल तो चलो चलते हैं। मेल वर्जन ऑफ सिंथिया, ओहो हमारा कैरेक्टर वैसे ही लग रहा है। ओह, इसने तो हमारे पोकेमोन हील कर दिए थे। ओके, तो मुझे लगा कि ये हील नहीं करती बल्कि हम इसे पकड़ सकते हैं। रोशी, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर होगी। मुझे लगा कि तुम लॉक के लिए काम कर रहे थे। ओह आई सी, तुम लॉक के लिए ही काम कर रहे हो। वो बुढ़ाऊ खुद के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। व्हाट्स दैट, लॉक गिव यू समथिंग फॉर मी? ओह ग्रेट। ओ अब मैं लॉक की वॉइस अपने हेड में नहीं सुन सकता। वेल, अगर वो लॉक तुमसे ये सब काम करवा रहे है मतलब कि तुम थोड़े तो स्ट्रॉन्गर हो चुके होगे। वेल लेट्स बिगिन। ओके, सो तुम हमें चिढ़ा रहे हो हाँ, क्योंकि हम तुम्हारे दादाजी की मदद कर रहे हैं हाँ। वेल तो मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। जादू ने सेंड किया है स्वाइनअप को। वेल मैं कह रहा था कि अगर मैं ऐसे ही वॉइस ओवर करता रहा और ऐसे ही फीमेल वॉइस देता रहा तो मेरा गला तो रेस्ट इन पीस हो जाएगा। वो तो चलो यूज करते हैं इस पर आर्म थ्रस्ट, पर उससे पहले मैं अपने पोकेमोन को बदल लेता हूँ। यस, उसकी वजह से क्या होगा कि जो वो अटैक कर रहा था यानी कि मर्सलैप, अगर मर्सलैप हमारे इस माकुहिटा को लगता तो उसका एक्यूरेसी कम हो जाता। तो वापस बुला लेते हैं अपने माकुहिटा को और इस पर यूज़ करते हैं आर्म थ्रस्ट। वैसे पहले ही मुझे आर्म थ्रस्ट कर लेना चाहिए था, मुझे लगा था कि वो पाउडर स्नो करेगा और जैसे कि मुझे लग रहा था वैसे ही हो रहा है। ओके, सो कुछ भी नहीं हुआ तो लेट्स यूज़ आर्म थ्रस्ट। तो मैंने कहा था ना कि बीच में बहुत सारे फाइल्स डिलीट हो चुके थे और उसी दौरान मैंने माकुहिटा को पकड़ लिया था ताकि मैं इसे आसानी से हरा पाऊँ या फिर मेरा अपना कीबल हार जाता, क्योंकि पाउडर स्नो से तो ड्रैगन टाइप बहुत ही वीक है और साथ ही साथ वो ग्राउंड टाइप भी है, मतलब कि हमारे पास डबल डिसएडवांटेज है। इसलिए मैंने इस पोकेमोन को टेम्पररी पकड़ लिया है, मतलब कि बाद में बदल दूंगा इस पोकेमोन को। फिर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो बेटर टीम फॉर माय नेक्स्ट पोकेमोन। ओके, वो थोड़ी सी एचपी बच गई है, सो लेट्स यूज फायर फैंग ऑन दिस बैड बॉय, लेट्स गो। की पाउडर स्नो कर दिया है इसने, कोई बात नहीं। प्लीज प्लीज एक अटैक बच जाओ, प्लीज प्लीज गीबल। ओ यस, बच गए। वेल तो हमने फर्स्ट पोकेमोन को हरा दिया है, जादू के फर्स्ट पोकेमोन को हमने हरा दिया है। जादू टू है बाय बाय। ओके, मैं नहीं बोल सकता। वेल तो नेक्स्ट पोकेमोन है लाइवटार, तो चलो इस पर यूज करते हैं। वो मैंने क्या यूज किया था, अटैक मिस हो चुका है, ये कैसे हो सकता है? सैंड ट्यूम करते हैं एक बार। ओके, सो ये टूम में फंस चुका है। ओके, सो अब ये हर्ट होते रहेगा। सो ओ नो, इसने बाइट कर दिया है। ओ बच गए भाई,
ओके सो अब हम यूज करेंगे सैंटूम फिर से क्योंकि सुपर इफेक्टिव है इसके अगेंस्ट और हमने हरा दिया है लार्विटार को। सो हमने अपने सेकंड राइवल मैच भी जीत ली है। यस हम जीत गए हैं अगेंस्ट जादू। तो कैसा लगा हाँ तुम्हें जादू, मेरा जादू कैसा लगा तुम्हें? या आई गेस आई कैन हेल्प फिल दिस थिंग आउट। अगर ये मुझे स्ट्रॉन्गर बनाता है तो मैं ये जरूर करूंगा। जब मैं अपने पेरेंट्स से मिलूंगा तो वो जरूर शॉक हो जाएंगे कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। ओह आई शुड गिव समथिंग टू थैंक यू, ये लो तुम्हारे लिए 3 चेस्टोबेरीज। क्या तुम जिम चैलेंज करना चाहोगे ऋषि? बोरियस रीजन में 8 जिम्स है, अगर तुम 8 के 8 जिम्स को भी हरा दोगे तो तुम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बन जाओगे। और मैं इस जर्नी पर पहले ही निकल चुका हूँ और मैंने ड्रेस को टाउन के जिम लीडर को पहले ही हरा दिया है। वो बार बार स्लिप पाउडर यूज़ करता था इसलिए मैंने चेस्टोबेरीज दे दिए अपने पॉकीमॉन को, जिसकी वजह से मेरे पॉकीमॉन उनको खाते थे और अचानक से उठ के उससे फाइट करने लगते थे। यस इसीलिए मुझे जितने में आसानी हुई। जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हमारे बैटल का रिजल्ट ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू दैट। गुड लक ऋषि। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हमारा नया वाला मिशन भी ऐड हो चुका है, मतलब कि अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अपना गेम सेव कर लेता हूँ और मैं आपको अपना ट्रेनर कार्ड दिखा के इस गेम को समाप्त कर देता हूँ। बाय बाय दोस्तों, ये रहा मेल वर्जन ऑफ सिंथिया। ओके सो बाय बाय दोस्तों। मैं हूँ सिकंदर, यूं कटते लंबे रास्ते, सभी साजा मेरे दोस्त हैं, नहीं थके रुके ना कभी, एडवांस बैटल है चुनौती कड़ी।